Hello students, a very warm welcome in my chemistry class. Today we are going to start a new chapter, that is unit 9 of second book, and this is second chapter of second book, which is named as hydrogen. So in this chapter we will study about hydrogen and its compound like water or hydrogen peroxide. Okay, some portions are deleted from the syllabus of 2021. So we will not discuss that part. So let us start the chapter. First of all, we will read this line. Hydrogen, the most abundant element in the universe. What does it mean? Matlab, hydrogen jo hai wo sabse zyada paya jane wala universe ka element hai. Theek hai? Matlab, universe mein sabse zyada ye paya jata hai. Theek hai? And it is third most abundant source ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्लोब. सर्फेस ऑफ ग्लोब पे अगर हम देखें तो मतलब अर्थ क्रस्ट में अगर हम देखें तो अर्थ क्रस्ट में इसका नंबर आता है थर्ड नंबर पे. ठीक है, बिफोर दैट आई थिंक सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट. नाउ द इट इज़ ऑल्सो द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी. इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी. अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, और सन की इस एनर्जी का सोर्स कौन है? हाइड्रोजन. ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन को. इट इज़ द सिंपलेस्ट कंपाउंड, सॉरी सिंपलेस्ट एलिमेंट, एंड इट इज़ हैविंग सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर. हम लोग अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, दिस इज़ 1s1. इससे सिंपल तो कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है, है ना? और इट हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन. ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है. इट इज़ डेफिशिएंट विद न्यूट्रॉन. इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है. ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद इसके पास बचता है सिर्फ एक प्रोटॉन. ठीक है, तो कई बार हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने का मतलब H विल बी कन्वर्टेड इनटू H प्लस, है ना? निकलने से निकलना बुरी बात, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना अच्छी बात. दैट्स वाई इट इज़ गेटिंग पॉजिटिव चार्ज. मैं ऐसे ही समझाती हूँ ना आपको. तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको मिला, एक इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका, अब इसके पास न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन है, तो हम लोग एच आयन को प्रोटॉन भी बोलते हैं. ठीक है, एच प्लस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटॉन. ठीक है, अच्छा, एलिमेंटल फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है एच टू के फॉर्म में, है ना? यही एच टू का एक, एच टू इज अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, है ना? वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन दिस इज. अब ये इसमें दो एटम है, दिस इज डाईटोमिक, है ना? तो एलिमेंटल फॉर्म में ये डाईटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, विच इज कॉल्ड डाईहाइड्रोजन. नॉर्मली हम लोग हाइड्रोजन बोल देते हैं, बट करेक्ट इज दिस इज डाईहाइड्रोजन. ठीक है, अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहाँ है. इसके पोजीशन को लेकर के बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत डिस्कशन हुआ कि हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस करना चाहिए. इवन मेंडलीव ने इसको दो जगह दे दिया था, फर्स्ट ग्रुप के साथ और हैलोजन्स के साथ भी, सेवन्थ ग्रुप में. ठीक है, तो दो जगह इसकी पोजीशन क्यों हो गई, क्यों इसको दो जगह स्थान दिया गया. अभी जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, इट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. क्यों फर्स्ट एलिमेंट है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है. एटॉमिक नंबर वन तो इसी का है, तो नंबर वन इसी को मिलेगा. ठीक है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसकी फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट ग्रुप में ये नंबर वन, फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट पीरियड. ठीक है, नंबर वन पोजीशन पे ये प्लेस्ड है. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं डिस्कशन क्या हुआ इसके पोजीशन को लेकर के. ठीक है, हाइड्रोजन हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1. अब 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने से क्या होगा कि इसके पास आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन, अदर एल्कली मेटल्स में भी है, सोडियम, सॉरी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सभी में एक इलेक्ट्रॉन है ना आउटर शेल में. तो पूरे के पूरे एल्कली मेटल्स में भी एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन है. तो कई सारी प्रॉपर्टीज़ जो हाइड्रोजन की है वो एल्कली मेटल से मिलती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन भी ऑक्साइड बनाता है एल्कली मेटल्स की तरह, हैलाइड बनाता है, सल्फाइड बनाता है. ठीक है, और इट हैज़ वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी. इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ही हाई है. ठीक है, एंड इट डज़ नॉट पोजेस अ मेटालिक कैरेक्टर, नहीं है बिल्कुल भी इसके अंदर. ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशंस. ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी रिजेंबल करती हैं एल्कली मेटल से, तो एल्कली मेटल के साथ इसको रखने के लिए डिस्कशंस हुए. ठीक है, लेकिन अगर हम
देखें इसको ध्यान से देखें, तो अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखें तो 1s1 है, ठीक है। तो अब इसको नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए जो इसका नेक्स्ट हायर नोबल गैस है, दैट इज नेक्स्ट टू दिस, दैट इज हीलियम, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, तो यानी इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हैलोजन्स को भी होती है। हैलोजन्स दे आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इनको भी एक की ज़रूरत होती है। तो हाइड्रोजन को भी एक की ज़रूरत है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए, तो दैट्स वाई दे आर हाइड्रोजन इज रिजेम्बलिंग विद द हैलोजन्स ऑल्सो इन इट्स प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इसकी हैलोजन से ज़्यादा मैच करती है इन कंपैरिजन टू एल्कली मेटल्स, ठीक है। हैलोजन्स की तरह ही देखिए ये डायटोमिक भी है, जैसे H2 डायटोमिक है, जबकि कोई और एल्कली मेटल डायटोमिक नहीं है। सोडियम, पोटेशियम, ये सभी फ्री आयन सिंगल एटम के फॉर्म में पाए जाते, दे आर मोनो एटोमिक, लेकिन हाइड्रोजन इज डायटोमिक। सिमिलरली हैलोजन्स आर ऑल्सो डायटोमिक, ठीक है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सभी क्या है, डायटोमिक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज हैलोजन से रिजेंबल करती है, ठीक है। और ये बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाता है लाइक हैलोजन्स, ठीक है। लेकिन अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो इसकी रिएक्टिविटी हैलोजन से कम है, ठीक है। तो इंस्पायर्ड, ये तो हमने देखा कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी एल्कली मेटल से मिल रही है, कुछ प्रॉपर्टीज़ की हैलोजन से मिल रही है, लेकिन इसका एक यूनिक फीचर है, ये ना तो कम्प्लीटली हैलोजन जैसा है ना ही कम्प्लीटली एल्कली मेटल जैसा है। तो इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्योंकि जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इसका जो न्यूक्लियस बचता है, दैट इज़ प्रोटॉन, उसके जो साइज़ है दैट इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है, बहुत स्मॉल जाता है, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ 10^-3 पिकोमीटर साइज़, ठीक है। तो इतना छोटा साइज़ होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज़ भी बहुत छोटा हो जाता है। और इसलिए H प्लस आयन जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, ये सोल्यूशन में हमें मिलता है, ठीक है। H प्लस डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, ठीक है, इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद अदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दस इट इज़ हैविंग यूनिक बिहेवियर एंड इट इज़ बेस्ट प्लेस सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल, इसीलिए इसको ना तो एल्कली मेटल के साथ रखा गया है ना ही इसको हेलोजन के साथ रखा गया, बल्कि इसको एक सेपरेट प्लेस, दैट इज़ फर्स्ट प्लेस आप इसको प्रोवाइड की गई है, लेकिन इसको हम एल्कली मेटल के साथ नहीं पढ़ते हैं। एल्कली मेटल एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हाइड्रोजन भी एस ब्लॉक का ही एलिमेंट है, लेकिन इट इज़ नॉट सिमिलर टू एल्कली मेटल्स, ठीक है। एल्कली मेटल जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ेंगे, हाइड्रोजन को हम लोग सेपरेटली पढ़ रहे हैं इसीलिए फर्स्ट, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं डाईहाइड्रोजन की। तो डाईहाइड्रोजन मतलब H2, ठीक है, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, हमने पढ़ा अभी, इन द यूनिवर्स 70% ऑफ टोटल मास ऑफ यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ दिस हाइड्रोजन, ठीक है। इसके अलावा ये सोलर एटमॉस्फेयर में भी प्रिंसिपल एलिमेंट है, जुपिटर, सैटर्न, इन सभी पे हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर हम देखें तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन का परसेंटेज बहुत ही कम है, ठीक है, इट इज़ लेस देन 1%, दैट इज़ 0.15%, ठीक है। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये बहुत ही लाइट है, ठीक है, इट इज़ वेरी लाइट, दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच लेस अबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर अर्थ क्रस्ट में देखें तो ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, लगभग 15-16% जो अर्थ क्रस्ट का इस कंबाइंड स्टेट में हाइड्रोजन का बना होता है, ठीक है। प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ में भी ये वाटर के फॉर्म में तो है ही हर जगह, इसके अलावा प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़ में ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में प्लस प्रोटीन के फॉर्म में, सभी में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, या न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में, या हाइड्राइड्स के फॉर्म में, हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्म में, ये जो है प्लांट और एनिमल्स में इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं बच्चों, आइसोटोप्स हमने क्लास 9 में पढ़ा है, दीज आर डिफरेंट
these are isotopes are differing from one another in respect of atomic masses. ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास या मास नंबर कहिए या एटॉमिक वेट कहिए, दैट इज डिफरेंट. ठीक है, एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक मास इज नॉट सेम, इट इज डिफरेंट. ठीक है, तो ऐसी स्पीशीज को हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स. एक ही एलिमेंट के होते हैं ये डिफरेंट आइसोटोप्स, जिसमें कि एटॉमिक नंबर सभी का सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है. ठीक है, अब एटॉमिक मास डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है. एटॉमिक नंबर सेम है इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा. ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होगा. तो डिफर कहाँ से हो रहा है ये? एटॉमिक मास डिफरेंट होने का मतलब इट इज डिफरिंग इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, तो मतलब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है. बिकॉज वी नो एटॉमिक मास इज द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, तो अगर प्रोटॉन्स सब में सेम ही है तो डिफर कहाँ से हो रहा है एटॉमिक मास? बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, तो अब हाइड्रोजन की आइसोटोप्स की बात करते हैं. हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम. जैसे कि हम जान रहे हैं एटॉमिक नंबर सेम है तो एटॉमिक नंबर सभी का वन है, सिंबल सभी का एच है. एटॉमिक मास इज डिफरेंट है, एटॉमिक मास प्रोटियम का 1H1, ड्यूटीरियम का 2 एंड ट्राइटियम का 1H3. ठीक है, तो कई बार ड्यूटीरियम को डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं एच की बजाय, और डी से ही रिप्रेजेंट करना भी चाहिए, और ट्राइटियम को टी से. ठीक है, और प्रोटियम के लिए एच ही यूज़ करते हैं. तो ये हो गया हाइड्रोजन के आइसोटोप्स. अब इनकी प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखना चाहें तो इनके रिलेटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है, ये इस टेबल में दिया हुआ है, इसको आप एक बार ज़रूर देख लेंगे. ठीक है, ये हो गई आइसोटोप्स की बात. अब ये आइसोटोप्स का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही है ना, तो इनकी केमिकल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जब सेम होते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है. तो इन ये तीनों आइसोटोप्स हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी. ठीक है, केवल डिफरेंस कहाँ होगा? रेट ऑफ रिएक्शन में, बिकॉज ऑफ डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन. ठीक है, लेकिन अगर फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है मास पे, और मास तीनों के डिफरेंट हो रहे हैं, इस वजह से देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज इज डिफरेंट. ठीक है, प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट. तो अगर आपसे कोई पूछे आइसोटोप्स का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, आप क्या कह सकते हैं? तो आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल नेचर तीनों का लगभग एक जैसा होगा. ठीक है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अगर देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन मास. मास के साथ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, मास बढ़ने के साथ कोई भी कंपाउंड सॉलिड की तरफ मूव करता है, मतलब उसमें सॉलिड लाइक प्रॉपर्टीज आने लगती है. ठीक है, तो अब मास इनके डिफरेंट हैं तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं दैट विल बी डिफरेंट. ठीक है, अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना, डाईहाइड्रोजन, जो कि इस बार के सिलेबस से डिलीटेड है, तो वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे. हाइड्रोजन पूरा ही डिलीटेड है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस. ठीक है, और प्रिपरेशन, ये पूरा डिलीटेड है. ठीक है, तो हम लोग सीधे आते हैं हाइड्राइड्स पे. ठीक है, हाइड्राइड्स क्या हैं? डाईहाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन डिफरेंट कंपाउंड से रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाता है. ठीक है, तो अब इसको बाइंड नोबल गैसेस से ये नहीं रिएक्ट करता, क्योंकि नोबल गैसेस जो हैं वो दे आर वेरी लीस्ट रिएक्टिव, वो रिएक्ट तो करती नहीं. तो हाइड्रोजन नोबल गैसेस को छोड़ करके सारे एलिमेंट्स के साथ बाइनरी कंपाउंड बनाता है, मतलब एनी एलिमेंट प्लस हाइड्रोजन. ठीक है, बाइनरी कंपाउंड बनाता है, दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ कंपाउंड बाइनरी कंपाउंड. तो एक तो उसमें हाइड्रोजन है. ठीक है, ईएच टाइप भी बनाता है, EH2, EH3, EH4, हर तरह का वो हाइड्राइड बनाता है. ठीक है, अगर हम एल्कली मेटल का देखें तो इट इज़ EH टाइप. ठीक है, और अगर हम एल्कलाइन अर्थ मेटल देखें तो EH2 टाइप. ठीक है, तो तरह तरह के हाइड्राइड्स ये बनाता है. इसके हाइड्राइड्स को फर्दर हम लोग तीन पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ आयनिक. आयनिक हाइड्राइड्स को हम लोग सलाइन हाइड्राइड या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी बोलते हैं. ठीक है, सेकेंड है कोवेलेंट. कोवेलेंट को हम लोग मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स भी बोलते हैं. और थर्ड वन इज़ मेटेलिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स. ठीक है,
सबसे पहले हम लोग आयनिक और सलाइन हाइड्राइड्स को डिस्कस करेंगे. आयनिक और सलाइन हाइड्राइड क्या है, इसको हम लोग दिस इज अ स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड, ये स्टोक्योमेट्रिक हाइड्राइड भी कहलाते हैं बिकॉज हाइड्रोजन का नंबर यहाँ फिक्स्ड है और नंबर इज होल नंबर. ठीक है, इट इज़ क्रिस्टलाइन कंपाउंड. ठीक है, नॉन वोलेटाइल एंड नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट. ठीक है, तो ये सब स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं. वैसे ये मोस्ट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ ये आयनिक और सलाइन हाइड्राइड्स बनाएगा, मतलब एल्कली मेटल के साथ और एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ ये क्या करेगा. एल्कली मेटल इज ग्रुप वन एलिमेंट, एल्कलाइन अर्थ मेटल इज ग्रुप टू एलिमेंट, इनके साथ ये सलाइन हाइड्राइड्स या आयनिक हाइड्राइड्स बनाता है. ठीक है, अब इन आयनिक हाइड्राइड्स में भी कुछ कोवेलेंट नेचर होता है. आयनिक हाइड्राइड्स आर नॉट प्योर आयनिक, कुछ कोवेलेंट नेचर होता है. इस कोवेलेंट नेचर को फाइंड आउट करने के लिए, इसके परसेंटेज को फाइंड आउट करने के हम लोग एक रूल यूज़ करते थे ना, फजान रूल, याद है क्लास 11th में ही हमने थर्ड चैप्टर कोवेलेंट हमने बॉन्डिंग वाले केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में फजान रूल पढ़ा है ना. तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फजान रूल से कोवेलेंट कैरेक्टर को फाइंड आउट करते हैं. वैसे ही आयनिक हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, दे आर क्रिस्टलाइन, नॉन वोलेटाइल, नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट. लेकिन अगर ये मोल्टन स्टेट में हो जाए, मतलब ये एक्वस स्टेट में, दे आर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, और जब इनकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है, दे लिबरेट हाइड्रोजन. तो हाइड्राइड्स कोई भी हो, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद दे लिबरेट हाइड्रोजन. ठीक है, एंड दिस हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड एट एनोड, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो एनोड पे ऑब्टेन करेंगे इसको. ठीक है, यहाँ तो हाइड्रोजन नेगेटिव है ना, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड्स. ठीक है, तो हाइड्राइड विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस विल बी कलेक्टेड एट द एनोड. ठीक है, और अगर यहीं कहीं वाटर की हाइड्रोलिसिस हो रही होगी तो ऑक्सीजन जो है वो हमें दूसरे इलेक्ट्रोड पे मिलेगा. ठीक है, तो अगर हम सोडियम हाइड्राइड की देखिए हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, मतलब सोडियम हाइड्राइड इज एन हाइड्राइड, इज अ हाइड्राइड. ठीक है, और ये वाटर के साथ वॉयलेंटली रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा एंड कन्वर्ट इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, हाइड्राइड्स जितने भी होते हैं एल्कली मेटल के, दे आर बेसिक इन नेचर. उनका बेसिक नेचर इसी रिएक्शन से हमें पता लगता है, क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस बनाते हैं, दैट इज NaOH. ठीक है, और पोटेशियम है तो KOH बनेगा. ठीक है, लेकिन जो लिथियम का हाइड्राइड होता है उसका बिहेवियर थोड़ा अलग होता है. किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, हमेशा उसका बिहेवियर थोड़ा अलग होता है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह सकते हैं. ठीक है, या पोलराइजिंग पावर डिफरेंट होती है. बिकॉज ऑफ दैट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ग्रुप, वेदर इट इज़ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इज हैविंग डिफरेंट नेचर. तो लिथियम का भी हाइड्राइड क्या है, उसका नेचर डिफरेंट है. इट इज़ अनरिएक्टिव, ये रिएक्टिव नहीं है, बहुत ही कम रिएक्टिव है. लेकिन ये हाइड्रोजन के साथ दूसरे तरीके से रिएक्ट करता है. ठीक है, इट इज़ अनरिएक्टिव एट मॉडरेट टेम्परेचर विद ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा. लेकिन अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया जाए तो डिफरेंटली रिएक्ट करेगा और बनाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या लिथियम बोरॉन हाइड्राइड. ठीक है, ये कंपाउंड जो है, दीज आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज़ यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स. कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स किनको बोलेंगे हम लोग, पहले मुझे रब कर लेने दीजिए. कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स तो आयनिक और सलाइन हाइड्राइड बना रहे हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाएंगे कोवेलेंट हाइड्राइड्स. ठीक है, जैसे और इनके हाइड्राइड मतलब कई तरह के हाइड्राइड बनते हैं, कोई फिक्स्ड हाइड्राइड नहीं है. जैसे कि CH4 भी हाइड्राइड है कार्बन का, अमोनिया यानी NH3 इज़ हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन, वाटर भी हाइड्राइड है ऑक्सीजन का, HF जो फ्लोरीन का हाइड्राइड. ठीक है, तो ये जो है जितने भी नॉन मेटल्स हैं पी ब्लॉक में, दे ऑल फॉर्म हाइड्राइड विथ हाइड्रोजन ऑफ डिफरेंट नेचर. ठीक है, दीज आर कोवेलेंट एंड दे आर वोलेटाइल कंपाउंड. ठीक है, ये कोवेलेंट होता है और वोलेटाइल होता है. वोलेटाइल मतलब ईजिली कन्वर्टेड इंटू वेपर स्टेट. ठीक है, नॉन वोलेटाइल जो वेपर स्टेट में ना जाए. तो अब ये जो लुइस डॉट स्ट्रक्चर अगर इनका हम बनाएं इनके हाइड्राइड्स का, तो हमें ये हाइड्राइड्स तीन तरह के हाइड्राइड्स के फॉर्म में दिखाई देंगे.
फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड. नाम से ही पता लग रहा है द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड विच इट विल हैविंग लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कम होगा इनके पास, इलेक्ट्रॉन कम होगा तो ये या तो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के फॉर्म में रहेंगे. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब लोन पेयर एक्सेप्टर, और लोन पेयर एक्सेप्टर को हम लोग बोलते हैं ल्यूइस एसिड. सो दे विल बिहेव एज ल्यूइस एसिड और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स होंगे, जैसे कि B2S6 है वो डाइबोरेन, ठीक है, ये BH3 का डाइमर है B2S6, ठीक है. इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना रिक्वायर्ड है उतना ही है, ठीक है. तो जो है ये ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली फॉलो करेगा, ना तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा ना तो लेस इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है. जैसे कि CH4 इट इज़ कम्प्लीटली बैलेंस्ड है ना, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं दोनों के ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट हो रहे हैं, तो कोई डेफिशिएंट नहीं है ना कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. एंड इट इज टेट्राहेड्रल इन ज्योमेट्री. थर्ड वन इज द इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स, मतलब जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विल बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर. तो इनके पास लोन पेयर होगा तो ये लोन पेयर को दे सकते हैं, तो दे आर लोन पेयर डोनर एंड लोन पेयर डोनर्स आर कॉल्ड ल्यूइस बेस, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड जो है वो ल्यूइस बेस की तरह बिहेव करेंगे, जैसे कि अमोनिया, अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, ठीक है. वाटर, वाटर के पास दो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, और HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड इसमें फ्लोरीन के पास तीन लोन पेयर है. तो आप देख रहे हो इतने नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं, तो दे ऑल विल बिहेव एज ल्यूइस बेस, ठीक है. और इसके साथ ही यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, देखो आप तीनों कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, दे आर वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, जैसे HF या H2O या अमोनिया, ये सभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कई मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाते हैं, ठीक है. नाइट्रोजन यहाँ HF दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, ठीक है. यहाँ यहाँ हाइड्रोजन दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें होती है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं एक साथ और जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई हो जाता है, ठीक है. दीज कंपाउंड्स हैव अगर इनका हम मॉलिक्यूलर मास देखें, अमोनिया का, वाटर का, HF का, देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर एक्सेप्टेड टू बी NH3, H2O और HF का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो इनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है. एंड दे आर सॉल्युबल इन वाटर ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो भी मॉलिक्यूल कोवेलेंट मॉलिक्यूल करेगा दैट विल बी सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है. अब आते हैं मेटेलिक और नॉन स्टॉक्योमेट्रिक हाइड्राइड की तरफ. मेटेलिक और नॉन स्टॉक्योमेट्रिक हाइड्राइड, जिसको हम लोग इंटरस्टीशियल हाइड्राइड भी बोलते हैं, ठीक है. ये किस ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाएंगे, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है. जो डी ब्लॉक बीच में है और एफ ब्लॉक जो नीचे है उसके एलिमेंट्स बनाते हैं ये हाइड्राइड्स, ठीक है. दीज आर नॉन स्टॉक्योमेट्रिक हाइड्राइड. नॉन स्टॉक्योमेट्रिक कितने नॉन स्टॉक्योमेट्रिक है कि हाइड्रोजन डेफिशिएंट हो जाते हैं, हाइड्रोजन का नंबर भी आप देखो फ्रैक्शन में मिल रहा है, ठीक है. तो ये लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन को भी फॉलो नहीं करते, ठीक है. और दीज हाइड्राइड्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दो नॉट एज एफिशिएंटली एज देयर पैरेंट मेटल. मेटल बल्कि अच्छा इलेक्ट्रॉन कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा, लेकिन इनके हाइड्राइड अच्छे कंडक्टर नहीं है. तो हाइड्राइड बड़ी मुश्किल से बनते हैं और इवन 7th, 8th, 9th ग्रुप तो बिल्कुल बनाता ही नहीं है और 6th ग्रुप में भी सिर्फ क्रोमियम बनाता है, ठीक है. तो हाइड्राइड्स बहुत ज़्यादा है ही नहीं इनके डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के. और कई बार हाइड्रोजन जो है इन कंपाउंड में इंटरस्टीसेस स्पेसेस को ऑब्टेन कर लेता है, मतलब जो मेटल के बीच में कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ होल, द हाइड्रोजन ऑक्यूपाई दैट स्पेस, दैट्स व्हाई दीज हाइड्राइड्स आर कॉल्ड इंटरस्टीशियल हाइड्राइड्स ऑल्सो, ठीक है. इसलिए इनको इंटरस्टीशियल हाइड्राइड्स भी बोलते हैं, ठीक है. और इनकी जो एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन मेटल की, इट इज़ यूज्ड इन कैटालिटिक रिडक्शन. जैसे आपने देखा होगा जब हम क्लास 10th में थे तो हमने एक रिएक्शन पढ़ा था, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाया था ना. वेजिटेबल ऑयल से जब हम वेजिटेबल घी बनाते हैं तो किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, हाइड्रोजिनेशन के थ्रू, हाइड्रोजन के एडिशन के थ्रू ना,
हाइड्रोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन जब ऐड करते हैं तो ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन जाता है और वेजिटेबल ऑयल कन्वर्ट हो जाता है वेजिटेबल घी में. अच्छा, इस रिएक्शन के लिए एक आपको याद होगा एक कैटलिस्ट यूज़ होता था. ये रिएक्शन बड़ा ही 10th क्लास में पूछा जाता है. वो कैटलिस्ट कौन था? निकल. ठीक है, तो इसीलिए जो अभी हमने पढ़ा ना कि इनकी जो एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोजन की ट्रांजिशन मेटल की, वो बहुत ही अच्छी होती है, जिसकी वजह से इनका कैटालिसिस में यूज़ होता है. तो इसीलिए निकल कैटलिस्ट यूज़ करते थे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के लिए फॉर कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी. ठीक है, तो कई बार आप देखते हो कि प्लैटिनम और पैलेडियम भी एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है फॉर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन. ठीक है, तो ये जो मेटल है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के, मेनली डी ब्लॉक के, दे आर यूज फॉर द कैटालिसिस इन द रिएक्शन लाइक कैटालिटिक रिडक्शन और हाइड्रोजिनेशन. ठीक है, और कई बार ये हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए भी यूज़ होते हैं. एंड हाइड्रोजन स्टोरेज किस लिए करते हैं हम लोग? एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज हाइड्रोजन इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. तो कई बार इन मेटल्स का यूज़ हम लोग हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए भी करते हैं. ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, आई थिंक दिस मच इज सफिशियंट फॉर टूडे. सो आई एम रेस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ हियर एंड टुमोरो वी विल डिस्कस द वॉटर टॉपिक. So that's all for today. Thank you very much.